Hello everyone, you are welcome to Best Notes Tutorial. In this video, we are going to talk about Far From The Madding Crowd by Thomas Hardy. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Far From The Madding Crowd जो कि Thomas Hardy ने लिखा है. इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे author के बारे में and then we will look at the characters and some important characters after that we will be looking at this summary of the work and later a few mcqs we will be doing so before going ahead uh, let me tell you that if you want to get any of these courses uh, ugc net history of english literature literary terms indian writings in english or uppgt or tzt courses uttarakhand lecture or lt courses uh, you can contact me on this whatsapp number or the email so let's start today's class far from the madding crowd and before going ahead let's talk about thomas hardy thomas hardy was born in 1840 and he died in uh, 1928 he was especially a novelist and but he thought himself a uh, of a poet means wo the achi novel. Likhi and uh, hopefully aap bhi thomas हार्डी को एज अ नावलिस्ट ही आप लोग जानते हो लेकिन वो ख़ुद को एक पॉइट मानते थे एंड ही वॉज अ रियलिस्ट रियलिस्ट अगर आप लोगों को रियलिस्ट वर्ड समझ नहीं आता तो रियलिस्ट का मतलब यह है कि जो अपने वर्क में इनकॉर्पोरेट करें रियल स्टोरीज़ को और उस रियल रहने दें अपना अगर नावल लिख रहे हैं तो उसमें अपने आस पास के स्टोरीज को डालना शुरू करें एंड रियलिस्ट uh, जो ट्रडिशन uh, था वो किसका फॉलो कर रहे थे जॉर्ज इलियट का ही वॉज़ इन्फ्लुएंस्ड बोस इज़

और रूरल पीपल का जो स्टेटस था डिक्लाइनिंग स्टेटस था उसके बारे में उन्होंने काफ़ी लिखा फार फ्रॉम दी मेडिंग क्राउड भी आप लोग देखेंगे कि तो उसमें जो फार्म लैंड्स हैं फार्मर्स हैं उनके बारे में है और जो लोगों का अपना स्टेटस है उसके बारे में ये स्टोरी है वैल हार्डी रोड पोइट्री थॉट थ्रो आउट हिज लाइफ एंड रिगार्डेड हिमसेल्फ प्राइमली एज अ पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया कि खुद आ, उन्होंने जो खुद को माना उन्होंने हमेशा लाइफ में खुद को पोइट ही एज अ पॉइट ही वो कंसिडर करना चाहते थे And uh, he got some novel published Far From the Madding Crowd in 1874, The Mayor of Castrobridge and Tests of the Duberwills and Jude the Obscure in 19 1895. One or uh, two facts are here, you can see. Uh, his most of characters are uh, tragic characters. And second thing is uh, he created a fictional reason with sex. This is, uh, call, this is asked in many, uh, you can say, in exams. So, the uh, reason, a fictional reason, a place of imagination create he that sex. Two of his novels, Tess of the Wills and Far From Madding Crowd, were listed in the top 50 on the BBC survey. दी बिग रेड तो एक सर्वे हुआ था बीबीसी के तरफ से तो उसमें जो टॉप फिफ्टी नावल्स में थी उसमें दो वर्क उनके आए थे फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जिसे हम आज करने वाले हैं एंड टेस्ट द ड्यूबरवल्स नाउ लेट्स गो थ्रू हिज़ वर्क्स और एक शॉर्टकट भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा कि किस तरह से आपको सारे जो uh, शो सारे जो ये वर्कस हैं वो किस तरह से आपको याद करना है तो पहले इसे रीड कर लेते हैं फर्स्ट इज़ द पोअर मैन एंड द लेडी इन एटीन सिक्सटी सेवन एंड लॉस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट अंडर द ग्रीन वुड ट्री आर रूरल पेंटिंग ऑफ द ड स्कूल एटीन सेवेंटी टू फार फ्राम द मेडिंग क्राउड एटीन सेवेंटी फोर एंड द रिटर्न ऑफ द नेटिव एटीन सेवेंटी एट द मेयर ऑफ कैस्ट्रोब्रिज एंड द लाइफ एंड डेथ ऑफ़ मैन ऑफ कैरेक्टर एटीन एटी सिक्स सो ये जो सब टाइटल हैं ये सब टाइटल भी आप लोगों को याद होने चाहिए दी वुड लैंडर्स एटीन एटी सेवन वैक्स टेल्स एटीन एटी एट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज टेस्ट ऑफ़ द ड्यूबर विल्स अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड एटीन नाइन्टी लाइफ लाइफ लिटिल आर्नीस एटीन नाइन्टी अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज ज्यूट दबिस नाइन्टी फाइव तो अब आपको इसे याद कैसे करना है आपको एक सिंपल एक पिक्चर याद करनी है एंड दैट इज़ की एक आप क्या कर लीजिए एक पेड़ बना लीजिए ओके okay? इस तरह से आपको एक छोटा सा क्या करना है पेड़ बनाना है और इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर एक आदमी को बिठा देंगे ओके okay? एंड उसके बगल में एक लेडी भी है उसकी वाइफ है और इन लोगों को क्या है क्राउड पसंद नहीं है सो so ये क्राउड से दूर जा रहे हैं तो अगर हम ऊपर से पढ़ते हुए चलते हैं इसको यहाँ से शुरू करते हैं द पुअर मैन एंड द लेडी ये क्या है एक पुअर मैन है इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं ये पुअर मैन है और उसकी लेडी उसके साथ में है अंडर द ग्रीन वुड ट्री और ये जो है ये क्या है आप लोगों की ग्रीन वुड ट्री है इसका नाम आप लोग लिख सकते हैं ग्रीन वुड ट्री फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड क्राउड से आप लोगों को याद हो जाएगा रिटर्न ऑफ द नेटिव और ये जो है ये पहले एक स्टोरी हम बिल्ड करेंगे माइंड में कि ये सिटी जा रखे थे अब ये अपने नेटिव लैंड आ रहे हैं द मेयर ऑफ कैस्टब्रिज और इन्हें ये पेड़ के पीछे जो है यहाँ पे मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है और वो उनको देख रहा है द वुड लैंडर्स और ये समझता है कि ये वुड में रहने वाले हैं तो वुड लैंडर्स आप इस तरह से एक शब्द को क्रिएट कर सकते हैं वो सेक्स टेल्स और ये दोनों अपने आप को क्या सुना रहे हैं एक दूसरे को वो सेक्स टेल्स को याद कर रहे हैं एंड अ प्योर वुमेन यहाँ पे से आपको ये जो लेडी है इसको आपको प्योर वुमन भी याद रखना है तो प्योर वुमेन से आपको टेस्ट ऑफ़ आप द ड्यूबरेवल्स याद हो जाएगा एंड uh, क्योंकि उनकी लाइफ जो रही पुराने उसमें वो आयरनीज से फुल फुलफ़िल रही तो हम कहें कि बहुत सारे आयरनीज़ उनके लाइफ में रही एंड जूड दी ऑबिसक्योर और जो फाइनली पता चलता है कि जो ये पुअर मैन था इसका नाम जूड था ठीक है तो बेसिकली आपको एक छोटी सी बस एक पिक्चर बनानी है और इसी पिक्चर पे आपको माइंड में क्रिएट करते रहना है स्टोरी को क्रिएट करेंगे माइंड में ये पेड़ है ठीक है तो पेड़ से हमें पता चल गया ग्रीन वुड ट्री है यहाँ पे हमने बताया था कि मेयर ऑफ कैस्टोब्रिज है और यहाँ पे एक पुअर मैन है और उसकी लेडी उसके साथ में है पुअर मैन का जो नाम है वो क्या है आपका जूड है और रिटर्न टू तो नेटिव अपने घर आ रहे हैं क्राउड से दूर जा रहे हैं जैसे सिटी में क्राउड होता है ओके सो इन दिस वे और एक दूसरे को टेल सुना रहे हैं तो आप अगर इसे बस पाँच मिनट भी अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे दस बार इसे फटाफट फटाफट बनाइए और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे हार्डी के जब भी नोवेल की बात आएगी अच्छा तो आपको देखिए कितने कितनी है काउंट करके देख लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो अगर आप टेन इन नावल्स को याद करेंगे इस तरह से तो आपको कभी भी आप भूलेंगे नहीं अगर आपको कभी अब स्लिप भी हो जाता है माइंड से तो फटाफट एक आ, पिक बनाइए आपको कहीं ना कहीं याद आ जाएंगी चीज़ें राइट right, कि ये है या नहीं है वर्क तो अब देखते हैं फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का बैकग्राउंड क्या है ये उनकी फोर्थ नावल है ओके एटीन सेवेंटी फोर में पब्लिश हुई थी और ये उनकी फोर्थ पोइम है और फर्स्ट लिटरेरी सक्सेस इसको माना जाता है इट औरिजिनली अपियर अनोनीमसली और इसको अनोनीमसली इसको पब्लिश किया गया था दी नावल इज़ द फर्स्ट टू बी सेट इन दॉमस आर्ड इज वसेक्स इन रूरल साउथ ईस्ट इंग्लैंड और ये फर्स्ट नावल है फार फ्राम दी वेडिंग क्राउड जो कि वसेक्स में सेट है इट डील्स इन द थीम ऑफ लव ऑनर एंड बिटेरियल यहाँ पे आपको जो थीम मिलेगी वो लव ऑनर एंड बिटरील बादशिबा और ट्रॉय बाकी जो कैरेक्टर हैं उनमें वो मिलेगा और फार्मिंग कम्युनिटी के बारे में है विक्टोरियन इंग्लैंड के एंड इट डिस्क्राइब्स द लाइफ एंड रिलेशनशिप ऑफ बादशिबा एवरडेन तो यहाँ पर क्या है आप लोगों का ये कैरेक्टर में हम इसे आ, डिटेल में पढ़ेंगे नीचे नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइटल एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आप लोगों का कि जो टाइटल है हार्डी टुक द टाइटल फ्राम थॉमस ग्रेज़ पोएम एलिजी रेटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड सेवनटीन फिफ्टी वन में ये पब्लिश हुई थी थॉमस ग्रे की पोएम है और इसमें आपको फर्स्ट uh, लाइन से ही पता चल जाएगा फार फ्राम दी मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल दे आर learnt विशेज नेवर लर्न स्ट्रे एंड sequenced दूल वे ऑफ लाइफ दे kept दे noiseless टैन ऑफ दे वे सो हमें पॉइंट से नहीं ये फर्स्ट जो लाइन है इससे लेना है और यहाँ से उन्होंने पॉइंट ली थी तो आप लोगों के क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी पॉइंट से बनी थी सो so, ये थी आपके एलिजूडिटन इन अ कंट्री चर्च यार और किसकी ये पॉइम थी ये थी आपके थॉमस ग्रे की कब पब्लिश हुई थी 1751 में और ये फर्स्ट लाइन से ही लिया गया है मैडिंग का यहाँ पे मतलब है फ्रेंजीड और एक्चुअली मैडिंग सो नाउ लेट्स कम टू कैरेक्टर्स सो द फर्स्ट कैरेक्टर इज गैब्रियल ओक सो गैब्रियल ओक द ये हीरो भी है गैब्रियल ओक इज अ फार्मर गैब्रियल ओक इज़ अ फार्मर शेफर्ड एंड बेलिफ यहाँ पे बेलिफ जो आता है इट्स यू कैन टेक इट लाइक अ शैरफ और यू कैन सी सिंपली पुलिस ऑफिसर राइट मार्क्ड बाई हिज़ हम्बल एंड ऑनिस्ट वेज हिज एक्सेप्शनल स्किल्स विद एनिमल्स एंड फार्मिंग एंड अनपैल्ट लॉयल्टी सो यहाँ पर आप लोगों को जो गैब्रियल है गैब्रियल कैसा है ये एक तो फार्मर है दूसरा ये है कि काफ़ी लॉयल है ही इज़ बादशबा फ़र्स्ट सूटर और सबसे पहले ये बादशबा को यही मीनस uh, शादी के लिए बोलेगा फॉर मैरिज ही विल प्रपोज एंड बादशबा बादशिबा एवरडेन द ब्यूटिफुल यंग वुमेन एट देंटर ऑफ द नावल तो ये इसकी हिरोइन है आप कह सकते हो और सेंटर ऑफ़ द नावल है हु मस्ट चूज अमंग थ्री वेरी डिफरेंट सूटर्स और उसे उसके पास तीन सूटर्स हैं और उनमें से उसे एक को चूज़ uh, करना होता है she is the protagonist propelling the plot through her interaction with her various suitors पूरी जो story है protagonist की या हम कहें बादशाहबा की आ, वही है कि जो उसके वेरियस सुइटर्स हैं उनसे जो उसकी कन्वर्सेशन होगी उसी से आगे स्टोरी बढ़ेगी उसके बाद सार्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय आता है जो लास्ट में मर जाता है द नॉवेल्स एंटागनिस्ट ट्रॉय इज अ लेस रिस्पांसिबल मेल इक्विवेलेंट ऑफ बादशिबा ही इज़ हैंडसम वेन यंग इस्पॉन्सिबल थ्रू ही इज कैपेबल ऑफ लव. तो यहाँ पे क्या है कि सार्जिन ट्रॉय है तो हैंडसम बट वो क्या है आप लोगों का इरिस्पॉन्सिबल है विलियम बोल्डवुड बादशिबाज सेकेंड सूटर एंड ऑनर ऑफ नियर बाय फॉर्म बोल्डवुड एज हिज नेम सजेस्ट इज समुडन रिजर्व मैन और वो है क्या आपका एक रिजर्व मैन है तो थोड़े से आप जैसे ट्रॉय को देखेंगे तो ये क्या है आप लोगों का एक इरिस्पॉन्सिबल पर्सन है लेस रिस्पॉन्सिबल है और यहाँ पे बोल्डवुड जो है वो आप लोगों ने देखा कि ये एक रिजर्वड मैन है और बादशबा पोटैगनिस्ट है उसके ऊपर आपने देखा गैब्रियल ओक गैब्रियल ओक क्या है आप लोगों का एक लॉयल एक इंसान है तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं इन चीज़ों को फैनी रॉबिन यंग ऑफिन सर्व एट गर्ल एट दी फार्म हू रनस अवे द नाइट गैब्रिलइव अटैम्प टू मैरी सार्जेंट ट्रॉय एंड फाइनली डाई इज गिविंग बर्थ टू हिज चाइल्ड एट दि पो हाउस इन कैस्टब्रेज तो यहाँ पर यह होता है कि सार्जेंट रॉय ही इम प्रेगनेंट्स दंग सर्वेंट गर्ल फैनी तो फैनी को वो प्रेगनेंट करता है एंड देन ही रन अवे और जो फैनी uh, है उसकी डेथ हो जाती है वाइल्ड गिविंग दिविंग बर्थ टू हिज चाइल्ड अब उसका जब बच्चा हो रहा होता है तो उसकी डेथ हो जाती है शी इज़ आ फॉयल टू बादशेबा शोइंग द फेट ऑफ वुमेन हु आर नॉट वेल केयर्ड फॉर इन दिस सोसाइटी और वो बादशेबा को सारी चीज़ें बता देती है एंड शी कम्स टू नो अबाउट सार्जेंट सार्जेंट्रॉय लेडी स्मॉल बेरी बादशेबाज मेड एंड कॉन्फिडेंट एंड ऑफ अबाउट द सेम एज एज बादशेबा जैन कोजिन फार्म लेबर एंड फ्रेंड ऑफ गैब्रियल ओक जोसेफ पुअर ग्रास जोसेफ पोरग्रास शाए टिमिट फॉर्म लेबो हु ब्लशज इजीली पोरग्रास कैरीज फैनीज कॉफिन फ्रॉम कैस्ट्राब्रेज बैक टू दी फार्म फॉर बरियल तो ये सारे आपके स्मॉल कैरेक्टर्स हैं बट यू शुड गो थ्रू वान्स एटलीस्ट एक बार कम से कम ये पढ़ लेने चाहिए कि कहीं ना कहीं और चीज़ें अगर रिलेट कर पाएँ जैसे कि इनकेस आपको uh, यहाँ से फैनी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ओके okay, तो उसका जो कॉफिन है उसे लेकर कौन जाता है जो उसे पोअर ग्रास जाता है तो इस तरह से आप चीज़ों को कनेक्ट कर, कर सकते हैं इंटर कनेक्ट कर सकते हैं कैनी बॉल यंग बॉय हु वर्क्स एज गैब्रियल ओक्स असिस्टेंट शेफर्ड ऑन द एवरडेन फार्म अब यहाँ पे क्या है कि गैब्रियल ओक का वो असिस्टेंट जो होता है वो कौन होता है कैनी बॉल होता है पैनी वेज दैल्यूफॉम ऑन द On Bathsheba's farm, who is caught stealing grain and dismissed, and he appears for the most of the novel until he recognizes Troy at uh, Green Hill Fair and helps Troy surprise Bathsheba at Boldwood's Christian party, Christmas party. So, now let's come to the about the novel, novel section. The plot centers on Bathsheba Everden, a farmer owners, and her three suitors. तो यहाँ पे ये सिंपल प्लॉट के बारे में अब आप लोग जान ही चुके होंगे कि जो बादशिबा है उसके ऑल अराउंड ये स्टोरी घूमती है और तीन इसमें शूटर्स हैं पहला है गैब्रियालॉक ये कैसा था आप लोगों का लॉयल था सार्जेंट ट्रॉय ये आप लोगों का एक हैंडसम सोल्जर था लेकिन कैसा था ये इस्पॉन्सिबल पर्सन है विलियम बोल्डवुड जो है वो ओनर ऑफ दी नेबरिंग फॉर्म्स है जहाँ पे बादशिबा जाती है उसी के बगल में रहता है द कॉन्ट्रास्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन बादशिबा एंड हर हार्टर्स प्रोवाइड स्टडी फॉर ऑफ मैनी फेसिस ऑफ लव इंक्लूडिंग ऑनेस्ट हार्ट फिल्ट लव एंड अनस्क्रिप्ट एंड मैनिपुलेटिव अडोरेशन तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी नाउ लेट्स गो थ्रू दिस समरी एट द बिग्निंग ऑफ द नावल बादशिबा एवरडेन इज़ अ ब्यूटिफुल यंग वुमेन विदाउट अ फॉर्चून यहाँ पर क्या है शुरुआत में जो बादशिबा है एवरडेन है वो एक खूबसूरत वुमेन है और लेकिन उसके पास कोई फॉर्चून नहीं है मीन्स उसके पास बहुत अमीर नहीं है वो शी, uh, शी मीट्स शी मीट्स गैब्रिय लोक सो जो गैब्रिय लोक से जब वो मिलती है गैब्रिया लोक कैसा है अंग फॉर्म एंड सेव्स इज लाइफ वन ईवनिंग सेव्स आर लाइफ इन वन ईवनिंग राइट सो शी मीट्स गैब्रे लोक गैब्रे लोक की लाइफ को वो बचाती है ही आस्क हर टू मैरी हिम बट शी रिफ्यूस बिकॉज शी डज़ नॉट लव हिम अब जो गैब्रे लोक है उस मैरी मैरिज के लिए प्रपोज करता है बट uh, वो मना कर देती है अपॉन इन्रिटिंग हर अंकल्स प्रॉस्परस फॉम शी मूव्स अवे टू द टाउन ऑफ वे वैदबरी तो अब वो एक नए टाउन में चली जाती है वैदरी में जहाँ की उसे अंकल का जो फॉर्च्यूनर वो मिल गया है फार्म में चली जाती है अ डिज़ास्टर बिफॉल्स गैब्रियल्स फार्म एंड ही लूजेज हिज शीप ही इज़ टू गिव अप फार्मिंग अब क्या होता है कि जो गैब्रियल है उसके लाइफ में एक डिज़ास्टर होता है वो उसका उसके सारी जो शीप हैं उनको खो देता है ना ही गिव अप ही गिव्स अप फार्मिंग अब उसने जो फार्मिंग है उसको गिवअप कर देता है ही गोज़ लुकिंग वर्क एंड इन हिज ट्रेवल्स फाइंड हिमसेल्फ इन वेदरबरी अब वो भी कहाँ आ चुका है जहाँ बादशिबा गई थी कहाँ पे गई थी वेदरबरी में जा चुकी है अब वो दोनों के दोनों वहीं पर हैं आफ्टर रेस्क्यूइंग अ लोकल फार्म फ्रॉम फायर ही आस्क मिस्ट्रेस इफ़ शी नीड्स अ शेफर्ड अब क्या होता है कि एक जगह फार्म में आग लग जाती है वहाँ पर बचाता है मिस्ट्रेस से मिलता है और मिस्ट्रेस उस मिस्ट्रेस के यहाँ वो काम करना शुरू कर देता है इट इज़ बादशिबा एंड शी हायर सेम और उसे वहाँ पता चलता है कि ये तो बादशिबा ही है एज़ बादशिबा लर्नस टू मैनेज हर फार्म शी बिकम्स एक्वेंटेड विद हर नेबर मिस्टर बोल्डवुड अब जो बादशिबा है उसके बगल में एक नेबर है जो जिसका नाम है मिस्टर बोल्डवुड एंड ऑन हिज वम सेंस वेलेंटाइन विद वर्ड्स मैरी मी और वो उसे भेजती है एक लेटर टाइप और इन्विटेशन भेजती है मैरिज का बॉलीवुड बिकम्स अपसेस्ट विद हर एंड बिकम्स हर सेकेंड सूटर बोलीवुड जो है वो उससे अपसेस्ट हो जाता है ही स्टार्टेड लविंग हर एंड वो उसका सेकेंड सूटर है जैसा कि हमने देखा गैब्रियल फर्स्ट है बोल्ड बोल्डवुड सेकेंड है रिच एंड हैंडसम ही हैज़ बीन सॉर्ट आफ्टर मैनी वुमेन वो क्योंकि हैंडसम भी है रिच भी है तो बहुत सारी जो वुमेन हैं वो उसको चाहती हैं बादशेबा रिफ्यूज़ हिम बिकॉज शी डज़ नॉट लव हिम बट देन शी एग्रीज टू रिकन्डर हर डिसीजन अब बादशबा फर्स्ट तो मना कर देती है फिर से और क्योंकि वो उसे प्यार नहीं करती बट शी कैन रिकन्सिडर हर डिसीजन लेकिन वो अपना डिसीजन जो है उस पर सोच सकती है दैट वेरी नाइट बादशिबा मीट्स अ हैंडसम सोल्जर सार्जेंट ट्रॉय और उसी रात को जब वो रिकन्सिडर कर रही होती है तो उसे अपने एक एक सोल्जर से वो मिलती है उसका नाम है सार्जेंट ट्रॉय तो अब तीसरा जो सूटर है वो भी यहाँ पर आ चुका है अनबिनोस्ट टू बादशा ही हैज़ रिसेंटली इन प्रेगनेंट लोकल गर्ल फ़ैनी तो फैनी uh, तो को प्रेगनेंट करता है रॉबिन एंड फैनी रॉबिन उसका नाम है उस गर्ल का एंड ऑलमोस्ट मैरिड हर और उसको उससे शादी करना चाहता है या कर रहा होता है ट्रॉय फॉल्स इन लव विद बादशबा इन रेजिंग बोलवुड अब यहाँ पर क्या होता है जो ट्रॉय है उसे बादशबा से प्यार हो जाता है और इससे बोलवुड क्या हो जाता है गुस्सा हो जाता है बादशबा ट्रेवल्स टू बाज टू वन ट्रॉय ऑफ़ बॉलवुड्स एंगर अब बादशबा ट्रॉय को बोल्डवुड के गुस्से के बारे में बताती है एंड वाइल शी इज़ देयर ट्रॉय कन्विसेज हा टू मैर हिम और जब बादशबा वहाँ जाती है तो ट्रॉय उसे शादी करने के लिए कन्विस् कर लेता है गैब्रियल हैज़ रिमेंड ह्रेंड आउट एंड डज़ नॉट अप्रूव ऑफ मैरिज गैब्रियल क्या है उसका फ्रेंड ही है अभी तक फ्यू वीक आफ्टर हिज मैरिज टू बादशिबा ट्रॉय सी इज़ फैनी पुअर एंड सिंक शी लेटर डाई इज़ गिविंग बर्थ टू हर चाइल्ड बादशिबा डिस्कवर्स दैट ट्रॉय इज दर अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है बादशबा जो है वो वहाँ जाती है और वीक्स अ फ्यू वीक्स आफ्टर हिज मैरिज टू बादशिबा यहाँ पर जब उनकी शादी हो जाती है तो ट्रॉय जो है वो फैनी को मिलता है वो बहुत पुअर है और बीमार है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है बादशिबा को जब ये बात पता चलती है कि ट्रॉय ही उसका फादर है उस बच्चे का फादर था ग्रीफ स्ट्राइक इन एट फैनीस डेस्ट एंड रिडिल्ड विद शेम ट्रॉय रंस अवे एंड इज थॉट टू हैव ड्रॉन अब यहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है ट्रॉय बहुत ज़्यादा दुखी है और वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज फीलिंग शेम एंड ट्रॉय रनस अवे वो दूर चला जाता है वहाँ से और ये सभी लोग यही सोचते हैं कि वो डूब चुका है वेज ट्रॉय सपोजली डेड बॉलीवुड बिकम्स मोर एंड मोर एम्पसैटिक अबाउट बाछ मैरिंग हिम और बोल्डवुड को जब ये बात पता चलती है कि जो ट्रॉय है उसकी डेथ हो चुकी है तो ट्रॉय सीज बादशिबा एट अ फेयर एंड डिसाइड्स टू तो रिटर्न टू तो हर ट्रॉय बादशिबा को एक फेयर में फिर से देखता है वो क्योंकि वो उसकी डेथ नहीं हुई है अभी तक और वो सोचता है कि वो वापस जाने के बारे में सोचता है बोल्डवुड होल्ड्स क्रिसमस टू विच ही इन्वाइट्स बादशिबा एंड अगेन प्रपोजेज मैरिज जस्ट आफ्टर शी हैज़ एग्रीड ट्रॉय अराइव्स टू क्लेम हर अब होता ये है कि जो बॉलीवुड है वो क्रिसमस पार्टी में देखता है और बादशाह को और उसे मैरिज के लिए प्रपोज़ करता है और वो जैसे एग्री होती है तो ट्रॉय वहाँ पर आ जाता है बादशाह स्क्रीम्स एंड बॉलीवुड शूट्स ट्रॉय डेड और यहाँ पे क्या होता है कि बादशाह ज़ोर से चिल्लाती है और बॉलीवुड वहाँ पर आके ट्रॉय को शूट कर देता है और वो मर जाता है ही इज़ सेंटेंस टू लाइफ इन प्रिजन और जो बोल्डवुड है वो अब उसे जेल में रहना है हमेशा के लिए लाइफ टाइम उसे जेल में रहना है फ्यू मंथ्स लेटर बादशिबा मैरिज गैब्रियल नाउ अ प्रॉस्परस बेलिफ अब क्या है जो गैब्रियल है वो एक रिच uh, बेलिफ है और uh, बादशिबा उससे शादी कर लेती है नाउ लेट्स लुक एट दम्स क्यूज thomas hardy was born in we know that it is 1840 which was the thomas hardy's first novel? thomas hardy is the first novel have si the poor man and the lady far from the madding crowd was published in it was 1874 and the title of the novel far from the madding crowd was taken from poem written by which author Which author it? so you must know the answer it is thomas gray so, with this, okay, we have one more. Who is the protagonist of the novel? Uh, it is Bathsheba, we know. And can you tell me who is the antagonist of the novel? Uh, so, I hope you know the characters, publication dates, or some of other facts about the work. Uh, with this, we end this lesson. See you in next video.